बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सब भूले कोई लाग न तीरा, महा अधम यह आए शरीरा। हाँ साहब क्या बोल रहे हैं, सब भूले कोई लाग न तीरा, तीर कहते किनारे को, महा अधम यह आए शरीरा। कितनी बड़ी महिमा इस मानव तन की गई, और कैसा कैसा कंट्रडिक्शन के ज्ञान क्या कह रहे हैं कि भाई महाअधम ये आए शरीरा। यही बात गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, क्यों अधम है, क्यों दुर्लभ है, इस पर थोड़ी बातचीत करते हैं। इसी को गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व को अधम शरीरा। अधम कह दिया, सब भटके कोई लाग न तीरा। साहब कह रहे हैं महा अधम ये आए शरीरा, पांच तत्व को तन रचो जानो चतुर सुजान, इसमें कुछ साचो नहीं नानक साची मान। पहले हम देखते हैं ये अधम क्यों है, फिर देखते हैं ये दुर्लभ क्यों है। देह धरे का दंड है, भुगतत है सबको, देह धरे का दंड है, भुगतत है सबको, ज्ञानी भुगतत ज्ञान से और मूर्ख भुगतत रहे। तनधर सुखिया कोई ने देखा, तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या वैरागी। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना। आशा तृष्णा सब घट व्यापे, कोई महल ना सुना। ये अधम क्यों है, पहले हम इस पर चिंतन करते हैं। यहां भी साहब कह रहे हैं देह धरे का दंड है, ये एक सजा है, भुगतत है सबको। हाँ कैसी इंजय ढूंढ रहा है ये इंसान। देह धरे का दंड है, भुगतत है सबको, ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, मूर्ख भुगतत रोए। यही बात ईसा मसीह जी भी बोल रहे हैं, हम सब अपने पापों के कारण पृथ्वी पर हैं। एक ही बात में बात खत्म कर दी उन्होंने भी, कि हम सब अपने पापों के कारण से पृथ्वी पर हैं। पहले देखते अधम क्यों, इसकी पांच तत्व 25 प्रकृति हर एक पर प्रभाव डाल रही है। पहली बात क्या है, देखिए सबको भूख लग रही है, सबको प्यास लग रही है, सबको नींद आ रही है, सब विषय विकारों में दौड़ रहे हैं, सबके अंदर काम क्रोध लोभ मोह है, भौतिक और स्थूल दोनों चीजें इस जीव को जकड़े हुए है। पर साहब यहां क्या कह रहे हैं, बहुबंधन ते बांधिया, एक बेचारा जीव, बहुबंधन ते बांधिया, एक बेचारा जीव, जी बेचारा क्या करे, जो न छुड़ावे पीव। ये 25 प्रकृतियां हर एक को लगी है, तभी तो साहब वाणी में एक शब्द कह रहे हैं, कहे कबीर, कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा, कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा, सबको लगल बा पिटवा का धंधा। आदमी छल कर रहा है, कपट कर रहा है, पाप कर रहा है, अनित कर्म कर रहा है, क्यों कर रहा है। कुछ लोग तो इंद्रियों के आनंद के लिए ये सब कर रहे हैं, कुछ फिर जीव का उपार्जन के लिए, जब ये शरीर की आवश्यकता ऐसी है, बड़ी विकराल है, बड़ी विकट है,
जब आदमी इनकी पूर्ति नहीं कर पाता है तो ठगी बेईमानी चोरी करता है, यानी पाप पुण्य का कॉज ही तो हमारा शरीर बना। महापुरुषों ने शरीर को ऐसे अदम नहीं कहा। आप कहेंगे महाराज कहीं कहीं तो आप मानव तन की इतनी बड़ी व्याख्या करते हैं, कहीं कहीं क्या ये क्या पागलपंती है क्या? नहीं, मैं उस पहलू पर भी आऊंगा। दूसरी बात, आप देख रहे हैं सम्यक और व्यापक रूप से सबके अंदर भूख प्यास आलस्य निद्राई निद्रा जम्भाई और 25 प्रकृतियां विद्यमान है, दिख रही है कि नहीं दिख रही है? और इसी के कारण से मनुष्य कर्म कर रहा है। कुछ कर्म तो कर रहे हैं आनंद के लिए, इंद्रिय आनंद। साहब कह रहे हैं सबका था पाया, इस गंडार का था न पाया। इंद्रियां कभी नहीं तृप्त होने वाली है, ऐसी वस्तु बनाई है। न जाने आपने कितने स्वादिष्ट पदार्थ अपने जीवन में खाए, लेकिन ये मुंह अभी तक संतुष्ट नहीं हुआ। न जाने कितने आपने रमणीक और सुंदर दृश्य देखे, आंखें अभी भी नहीं भरी है। न जाने कितने मधुरम शब्द आपने सुने, लेकिन कान अभी नहीं भरे। न जाने जीवन में मनुष्य ने कितने कोमल स्पर्श किए, त्वचा नहीं भरी। राजा लोग 10,000 साल तक आयु थी, तब 1,000 साल तक जिए, 10,000 रानियां रखी, विषय भोग किए, पर इंद्रियां तृप्त नहीं हुई। यहां साहब ठीक तो कह रहे हैं, सबका था पाया, इस गंडार का था न पाया। इसका मतलब है ये एक वो चीज बनाई है शरीर को जो कभी तृप्त नहीं होने वाली है। सिस्टम कर्म से बांधा, और कर्म का सभी कर्म कर रहे हैं। कर्म का एक विधान है, कर्म का एक क्षेत्र है, क्योंकि शरीर को नित्य आपको आहार देना है। काचे कुंभ न पानी ठहरे, और रोगों से भरा हुआ छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व को अधम शरीरा। साहब तभी वाणी में बड़ा साफ साफ कह रहे हैं, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या वैरागी। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दुना। आप सोचते होंगे जो सन्यासी लोग घूम रहे हैं बहुत सुखी है, साधु लोग नहीं, तपसी को दुख दूना। आप अपने घर में हैं, आप रूखा सूखा कुछ खा रहे हैं, टूटा फूटा ओढ़ना बिछोना भी आप ओढ़ रहे हैं, वो तो पूरी गृहस्थी लिए घूमते रहते हैं। दोपहर का भोजन खाया, शाम की जुगाड़ करते हैं कहाँ जाएं हम। इस प्रकार से और तृप्ति मनुष्य में नहीं मिलती है। एक बार मैं कहीं जा रहा था, मुझे एक माता ने कहा, गुरुजी आश्रम में तो बहुत लोग आते हैं रजाइयों को सिलने के लिए, हमें सुई ला देना। मैं कहा ठीक है। बोला गुरुजी एक ब्रांड बताया उसने, एक बहुत बड़ा रिच आदमी है देश का, उसका नाम बोला, उनकी सुई लाना। मैं दिल में सोचा हाँ, पेट नहीं भरा सुइयां भी बना रहे हैं अभी तक, कल्पनाओं का कि सीमा नहीं होती है। हर एक कल्पना कर रहा है, हर एक इच्छा कर रहा है, हर एक के अंदर ये सब चीजें भरी हैं जो स्थूल। अब सूक्ष्म में बता रहा हूं, पहले तो हमने स्थूल चीजों पर बोला, आप विचार करें ये आवश्यकता है सबकी, और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हर एक आदमी प्रयासरत है। फिर बच्चे हो जाते हैं, उनके प्रति ममता आ जाती है, ये क्या शरीर है। कुछ लोग तो कैसे हैं पता है, सांसारिक दुखों के कारण आत्महत्या करते हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है, आत्महत्या करते हैं, क्योंकि वो उपराम हो जाते हैं दुखों से, और जिसे भी देखिए वो दुखी है।
नानक देव जी अपनी वाणी में बड़ा साफ कह रहे हैं, नानक दुखिया सब संसार, नानक दुखिया सब संसार, सुखी सही जो नाम आधार। फिर मैं सुख की बात बोलूंगा आगे कैसे प्राप्त होता है, पहले इस चैप्टर को उठाता हूं। सीधी बात है कि शरीर को धारण करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता है, इसकी सब इंद्रियां बड़ी जटिल हैं। यहां साहब एक चेतावनी दे रहे हैं, संतों घर में झगड़ा भारी, कायागढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवट टर जाई, पांच सखी प्यू प्यू करत है, भोजन चाहत न्यारी न्यारी। वाह, पांच सखी प्यू प्यू करत है, भोजन चाहत न्यारी न्यारी। ये इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, एक इंद्री के कारण से बड़े जीवों का विनाश होता है। जीव बताता हूं कैसे, भौरे का मौत हो जाती है, भौरे की सिर्फ सुगंध के कारण। वो कमल के फूल पर बैठता है, भीनी खुशबू लेता है, उसमें आनंदित हो जाता है। जब सूर्यास्त के समय पर उसका द्वार संपुट बंद होता है, कमल बंद हो जाता है, तो भौरा पहले देखता रहता है, अभी तक सूरज दिख रहा है, वो उड़ता नहीं है, सोचता है थोड़ी देर बाद आनंद लेता हूं फिर जाऊंगा। उसके बाद फिर क्या करता है, शाम हो जाती है, वो ऊपर देखता है, वो खुशबू में मस्त है। इस तरह ये जीवात्मा इंद्रियों के सुख में मस्त है, इसे मौत की खबर नहीं है। जब पूरा कमल बंद हो जाता है, सुबह वो फिर खुलता है सूर्य को देखकर, तब तक भौरा मर जाता है, उसको वहां ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। देखा, आपको ऑक्सीजन पल पल चाहिए, काचे कुंभ न पानी ठहरे, कच्चे घड़े में पानी नहीं ठहर सकता, इसलिए ये तन नाशवान है। और हर इंसान जो भी जीवन में कर रहा है सिर्फ इस शरीर के सुख के लिए कर रहा है। यहां लोग आकर मुझसे भी प्रार्थना करते हैं कि ये दुख है, मैं कहता हूं सुमरण करना। आत्मा के लिए बहुत कम लोग सहिष्णु हैं, तभी तो साहेब वाणी में कह रहे हैं, कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा, सबको लगल बा पिटवा का धंधा। आप ये मत सोचना कि भक्ति भी सहज है, इसमें भी आपको दुनिया के लोग काफी तकलीफ देंगे। मुझे काफी लोग आकर कहते हैं, अपनी व्यथा बताते हैं कि अब कुछ लोग तो मनमुख टाइप है, वो कुछ मर्यादाएं थोपते हैं जो भौतिक है। इस तरह से ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो शरीर को धारण करने वाला आदमी दुखी है। इसी प्रकार सिर्फ एक नाद के, कान के आनंद के कारण से मुर्गा मारा जाता है, एक एक इंद्रिय आप शत्रु है आपकी। तभी साहब कह रहे हैं, पांच सखी प्यू प्यू करते हैं, भोजन चाहत न्यारी न्यारी, काम क्रोध मद लोभ सब मिल, या तन में करे ठकुराई। बहुत नेगेटिव चीजें शरीर में भरी पड़ी है, लेकिन जो पॉजिटिव है उस पर आते हैं, वो बाद में उस पर चलूंगा। इस तरह सुन सुन नाद शीश तिंदिना, वो बधिक उसे मार देता है, वो बंसरी की धुन में मस्त हो जाता है, वो उसको मार देता है, उसकी नाभि से कस्तूरी निकालता है, उसका मांस बेचता है, यानी एक इंद्री ने उसकी जान ले ली। इसी तरह पतंगा, वो दीपक और लौ से प्रेम करता है, वहां आनंद नहीं है पर वो सोचता है इसी में आनंद है, जब जाता है जल जाता है। वाह, इसी प्रकार जिभ्या के स्वाद के कारण से मछली अपने प्राण देती है, उसको पता है सुई फेंकने वाला जो धागा फेंका है वो मुझे पकड़ेगा, और उसी कांटे पर कहीं आटा लगाते हैं, कहीं केचुआ लगा देते हैं, कहीं थोड़ा मांस लगा देते हैं। मछली सब कुछ खा लेती है, वो सोचती है खाकर चली जाऊंगी, दुमुहा कांटा है, फंस जाता है, जब वो निगलती है उसके कंठ में फंस जाता है, उल्टा कांटा है यूं, जब फंस जाते हैं वो उसको बाहर खींच लेता है। आप नेट पर भी देखो, उस कांटे से समुद्र में भी बड़ी बड़ी मछलियां और कई जीव पकड़े जाते हैं। इस तरह
एक जीभ के स्वाद के कारण मछली भी मारी गई और शेषनिंद्री के स्वाद के कारण हाथी मारा जाता, हाथी को बड़ा कामुक कहा गया, हाथी मारा जाता है। इस तरह ये सभी इंद्रियां, ये पिंजड़ा नहीं तेरा, इस शरीर का रोम रोम विकारों से भरा है। साहब कैसी चेतावनियां दे रहे हैं, ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, ये विष की बेल है, रोम रोम विकारों से भरा पड़ा है। ये पिंजड़ा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजड़ा नहीं तेरा, एक एक इंद्री के कारण से ये मनुष्य, बाकी प्राणी अपने प्राण गवाते हैं। मनुष्य की सभी इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं। आप नेट पर देखते हैं बलात्कार का आजीवन कारावास भी है, बलात्कार करके हत्या करने का उम्र भर कैद है, फांसी भी है, तभी भी लोग कर रहे हैं। ये इंद्रियां, इंद्री मर्द को गर्द मिलाए, ये कांटा होता है। समुद्र में बड़े बड़े प्राणी हैं, उनको लोग इस तरह शिकार करके खींच लेते हैं। अब कांटा चुभ रहा है तो वो फिर आ जाता है उसके अंदर, देखिए सब तरफ से उसमें कांटा है। बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ते हैं लोग, वो बस इसी खाने के कारण से आती है। और साहब क्या कह रहे हैं, जिभ्या स्वाद के कारण नर कीने बहुत उपाय, और इसकी तासीर भी अलग है, सर्दी नहीं सह सकता, गर्मी नहीं सह सकता, काचे कुंभ न पानी ठहरे। वाह, साहब कह रहे हैं आत्मा के लिए किसी का भी कोई भी सहसुर नहीं है, जासे नाता आदि का, जासे नाता आदि का बिसर गया तें ठोर, कहे कबीर ये बीच ही बलक और की और। इस शरीर के और गंदगी से भरा पड़ा, बना ही विकार से है, इसमें है ही विकार। अक्सर मैं कहता हूं जिसको दूध हजम नहीं होता उससे मिल्क मेड पदार्थ भी नहीं खा सकता है, क्योंकि उनमें दूध का अंश है। इसलिए ये विकार से देही उत्पन्न हुई है और गंदे तत्वों से उत्पन्न हुई है। माँ का रज, पिता का बिंदु, इनके मिश्रण से ये हुई है शरीर, इसलिए रोम रोम में विकार भरे पड़े हैं। साहब ने इस तन की अशुद्धता का वर्णन बहुत सहज और सुंदर शब्दों में किया है। इसलिए नक्स भरा विकार, इसी शरीर के पोषण के लिए मनुष्य संसार में क्या क्या कर्म कर रहे हैं। आत्मा का कर्म क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है, वो अपने में ही परिपूर्ण है। वह क्या चीज है ये आत्मा, आत्म ज्ञान बिना नर भटके क्या मथुरा क्या काशी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके क्या मथुरा क्या काशी। इस तरह से बंधुओं, इस घर में बहुत बड़ा झगड़ा है और इन सब में जीवे ही घेरा, ये पिंजरा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजरा नहीं तेरा। ये तो मैंने स्थूल दुश्मन आपको बताए जो दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं अभावों के कारण मनुष्य दुखी और सुखी हो रहा है। आत्मा का सुख दुख से कोई संबंध नहीं है, अज्ञानवश आत्मा ने अपने को शरीर माना, ठीक वैसे ही जैसे मूर्ख बालक अपनी परछाई को दूसरा व्यक्ति जान करके खेलता है उसके साथ, भयभीत होता है उसके साथ, इसी तरह ये संपूर्ण जगत ब्रह्म के झूले में झूल रहा है। माया महाटगनी में जानी में, साहब ने बताया बड़े बड़े धुरंधरों को ये झूलना दे रही है माया। वाह, और ये जितने भी चार मुक्तियों के स्थान है ये भी निरंजन के आगे अधीन है। वाह, अब साहब यहाँ क्या करे, यह जग अंधा जानो भाई, नाम न जाने ऊंच का ही। हाँ, पहला तो ये, अब आगे बता रहा हूं सूक्ष्म चीजें क्या क्या लगी है, कितनी बड़ी दुश्मन है। तब साहब फिर वाणी में क्या करे, अस असुर घट में बसे, अस असुर घट में बसे, कैसे रहब कुशल। ऐसे असुर शरीर में निवास करते हैं, ये जीव कैसे कुशल रह सकते हैं। बसे कुसंग चाहत कुशल,
बुरों के बीच रहकर कोई कुशलता चाहता है, कहे रहीम बड़ अफसोस। ये बड़ा अफसोस की बात है। महिमा घटी समुद्र की जो रावण बस्यो परोस। ऐसी ऐसी असाध्य चीजें शरीर के अंदर है। अब हम सूक्ष्म चीजों के लिए बताते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। काम क्रोध मत लोभ सबे मिल या तन में करे ठकुराई। हुकूमत इनकी चल रही है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की। ये कितने प्रबल हैं। काम के वशीभूत होकर के बड़े बड़े तपस्वियों ने अपनी तपस्या खोई। ये असुर शरीर के अंदर निवास करते हैं भाइयों। जो बड़े बड़े तपस्वियों को भी नहीं, आप देखें ना मोहिनी रूप पर शिवजी को भी आसक्त कर दिया। बड़े बड़े धुरंधर ऋषि मुनियों को भी नचाया। माया महा ठगनी हम जानी एक साहब का शब्द है, नेट पर भी देख सकते हो। उसमें उन्होंने सबका विश्लेषण और व्याख्या दी है। और काम से अधिक क्रोध प्रचंडा। और क्रोध कैसा शरीर के अंदर रह रहा है। बड़े बड़े धुरंधर क्रोधित हुए। आप महाभारत में देख रहे हैं वासुदेव कृष्ण ने कहा था भाई युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ठीक है, भीष्म पितामह ने उनसे शस्त्र उठा लिए। देखा, उनकी प्रतिज्ञा को तोड़वा दिया। क्रोध आ गया। वाह। इसी तरह राजा सगर के 60,000 पुत्रों को क्रोध में कपिल मुनि ने भस्म कर दिया। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, खटपुत्रन को दिनों तक शापा। भैया ये असाध्य ताकतें शरीर के अंदर रह रही है, चार परिक्रमाएं करके नहीं बेड़ा पार होने वाला है। यही आकर संतों ने चेतना दी है। इसका मतलब है काम से अधिक क्रोध प्रचंडा। क्रोध कैसी चीज है। आप देखिए सब में व्यापक रूप से क्रोध भरा पड़ा है। बहुत शांत लोगों को आप देखते हैं जब थोड़ी बात होती है अपना उत्तेजित रूप दिखाते हैं। कुछ चातुर्यमय लोग हैं, पहले अपना शील चेहरा दिखाते हैं। इसी तरह आदमी क्या होता है, मोहित हो जाता है कामातुर होकर बस रंग रूप देखकर किसी लड़की का। उसकी सीरत सूरत को तो देखा, सीरत को नहीं देखा। जब बाद में सीरत नजर आ जाती है ना तो वो सूरत मोहिनी गुम हो जाती है। इसलिए प्राचीन काल में सीरत देखकर शादी की जाती थी। खैर आइए, ये और लोभ बुरा लोभ थे और ना कोई। भाइयों ये सबके अंदर बैठे हुए हैं, बड़े प्रबल हैं, बहुत शक्तिशाली है। अब साहब कह रहे बुरा लोभ थे और ना कोई, लोभ से कोई बुरा नहीं है, सभी पाप लोभ करा रहा है। ठगियां बेमानियां छल कपट धोखा धड़ी भाई भाई से कर रहा है। कौन करा रहा है लोभ। एक भाई भोला है, एक चालाक है। वो क्या करता है, अपने छोटे भाई का हक लेता है। एक जमाना था हम सब कहते थे भाई एक भुजा होती है, एक हाथ होता है, भुजा है एक ताकत है। अभी कोर्टों में जाकर देखो तो मुकदमे ही आपस में चल रहे हैं खेती बाड़ी के बाकी चीज़ों के। इसलिए बुरा लोभ थे और न कोई। साहब ने तो लोभ पर बड़ी अच्छी व्याख्या दी है। कामी नरभ होते तरे क्रोधी तरे अनंत, लोभी जीवड़ा ना तरे कहे कबीर सिद्धंत। लोभी नहीं तरे। वाह, ये इसका बेटा पाप है, इनका पूरा परिवार है, ये सब शरीर में रह रहे हैं। तब तो साहब कह रहे हैं अस असुर घट में बसे। ऐसे ऐसे राक्षस शरीर के अंदर रह रहे हैं, वो देख नहीं रहा इनके साथ कुशल कैसे हैं। अगले पल क्या हो जाएगा आदमी को पता ही नहीं चलता। और इनसे फिर खतरनाक है मोह। वो देखो क्या क्या काम कराता है, छल कराता है, कपट कराता है, दगा कराता है, धोखा कराता है। मेरा बेटा कोई किसी का होता नहीं। आपने देखा एक बेटी ने, लड़की ने अपने माँ बाप को अपने प्रेमी के कारण मरवा दिया था। वाह। और आप देखते हैं भग जाते हैं लड़के भी लड़कियां भी, माँ बाप को छोड़ दिया। वाह। ये मोह सकल व्याध इनको मूला, तासे उपजत बहुविद सूला। गोस्वामी जी रामायण में कह रहे हैं आप देखें ये सब आपको बांधने के संसाधन है। और बंधन कोई भी दिख नहीं रहा है, बंधा है। बिन रसरी सकल जग बंधिया। वाह। अब मान ये तो और भी विभत्स है। मोटी माया सप्तजे झीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर ओलिया झीनी सब इनको खाए। ये अहंकार बहुत बड़ा शत्रु है।
अक्सर मैं कभी कभी सत्संग में लोगों से प्रश्न पूछता हूँ, तो जो कठिन प्रश्न होता है थोड़ा जो सत्संग में रुचि लेता है उससे पूछता हूँ। इस तरह मैं पूछता था, एक बार किसी से मैंने ये प्रश्न पूछा सतवारी में, उत्तर गलत दिया तो मैंने कहा भाई ये उत्तर ठीक नहीं, तुम बैठ जाओ। वो बैठ भी नहीं रहा था, उसको अहंकार आया कि मेरा इतने लोगों में अपमान किया, मेरा प्रयोजन अपमान नहीं था, उसने इसको अपमान समझा। बाद में विरोध करने लगा, लोगों को कहने लगा वहाँ कुछ नहीं है, इतने साल तुम झक मार रहे थे जब यहाँ 10-15 साल जुड़े हुए थे, तुम्हें समझने में इतना लंबा टाइम लगा। ये अहंकार ऐसी चीज है। भृगु को अहंकार और क्रोध आया तो उसने विष्णु के सीने में लात मार दी थी। कहने का मतलब है ये अहंकार मोटी माया सब तजे झीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर औलिया झीनी सबिन को खाए। ये मान माया तजे ते क्या हुआ, मान तजा नहीं जाए। जब कोई बात होती है तो कहता है अब इसको मैं मिटा के रखूंगा, इसने मेरा अपमान किया, कभी नहीं छोड़ूंगा। देखा ना, क्या ये सब वृत्तियां हमारी आत्मा की हैं क्या? अब यहां साहब एक बात कह रहे, ये देखिए सूक्ष्म दुश्मन दिखते भी नहीं है। आपने कई बार गुस्सा करके देखा होगा कि इसका प्रतिफल ठीक नहीं है, लेकिन फिर वो अपना असर दिखा देते, क्या बल है इनका। अगर आप प्रवचन में देखेंगे तो इन बातों पर सभी शास्त्रों में थोड़ी व्याख्या भी है, यही है पूरी माया। अब यहां साहब एक शब्द और कह रहे हैं, अलग पुरुष जब किया विचारा, अलग 84 धागा रहा, 5 तत्व की गुजरी बीनी, 3 गुणन से ठाड़ी कीने, 3 इसमें जीव ब्रह्म और माया। इसमें देखिए ब्रह्म मन को कहते हैं, जीव आत्मा को कहते हैं, माया प्रकृति बस काया में यही है। और इसकी कमांड किसके हाथ में है? मन के हाथ में है। मन राजा है, मन सबको नचा रहा है, मन के संदेश आते हैं और पूरा बॉडी उसके अनुसार चलती है। मन के चलाए तन चले ताको सर्वस जाए, गुरमुख होना इसलिए कहा गया। तो बंधु ये भीतर के शत्रु भी बहुत विभत्स है, बहुत डेंजर है, ये नहीं छोड़ रहे। बड़े बड़े धुरंधरों को बाहर ले जाते हैं, बड़े बड़े हाथी बह जाई, अरे बड़े बड़े हाथी बह जाई, कहो मसा के लेखे माही, एक मच्छर किस लेखे में। ये सब क्यों हो रहा है? अज्ञान के कारण। अज्ञान क्या? समझ में नहीं आ रहा है। हमने अपने को शरीर मान लिया है, हमने अपने आप को मन मान लिया है, हमने अपने आप को बुद्धि मान लिया है, हमने अपने आप को क्रोध मान लिया है। दरअसल आत्मा इन सब से परे है, इस तरह ये जीवात्मा बंधन में है। कहा भी जा रहे हैं बंधे हुए हैं हम सब, पर बंधन का निराकरण कोई भी जानने की कोशिश नहीं कर रहा है। ऐसे असुर शरीर में रह रहे हैं। ये जगह अंदर जानो भाई, नाम ने जाने उछगाई। अब नानक देव जी भी तो कह रहे हैं क्योंकि जब ये नाम की ताकत आती है तब ये काबू आएंगे, नहीं तो नहीं आ सकते। अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात, आप अपने में पलट कर देखें ना, नाम के बाद आप में क्या परिवर्तन आया। ये सब उजागर हो गए, सब समझ में आए। अब यहां साहब फिर इसकी पुष्टि कर रहे हैं, 7 दीप पृथ्वी परिक्रमा, 7 दीप पृथ्वी परिक्रमा, सार शब्द बिन मिटह न भरमा। वाह, अगर संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा भी कर दे, 7 दीपों पर चला जाए, 7 दीप पूरा विश्व 7 दीप है, ऑस्ट्रेलिया द्वीप, एशिया द्वीप, यूरोप द्वीप, अमेरिका, दक्षिण उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका आदि, ये सप्त दीप को मिला करके भी अगर वहां भ्रमण भी करे, पर सार शब्द बिन मिटे न भरमा। अब यहां साहब कह रहे सार शब्द बिन मिटे न भरमा, ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना। क्या कारण है ऐसा? जो नाम जाना वही ऊंच है, उनको ये सब दिखेंगे। सदगुरु ऐसी दूरबीन लगाता है जिसके द्वारा ये आपके हृदय क्षेत्र में जो निशाचर मत्सर विचरण कर रहे हैं सब दिखाई देंगे। वाह क्या बात है, तो आदमी बच जाता है। कोई आपको पत्थर मारा, अगर आपने देखा तो आप कुछ जतन तो करते हैं ना बचने का, आप नहीं देख पाए तो वो पत्थर आपके खोपड़ी पर आकर बचता है। इसी तरह सोवत जागत धर धर मारे, ये सोते जागते धर धर मार रहे हैं। ऐसे असुर इस बॉडी के अंदर निवास करते हैं। बचियो एक उपाय, वाह साहब साफ कह रहे हैं, सार नाम को पाए क्या गया? उस भाई जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना। हाँ क्या कह रहे हैं? बिना नाम सब नीच बखाना,
और नानक देव जी ने तो बहुत ठोस शब्द कह दिया, हालांकि उन जैसी निम्रता किसी महात्मा में जल्दी नहीं दिखती है। उनकी वाणी बड़ी कोकला और बड़ी निम्र है। कहे नानक हम नीचे कर्म क्या कह रहे हैं। वाह, बिना नाम विष्टे का कीड़ा। नानक देव जी कह दिया बिना नाम विष्टे का कीड़ा, विष्टे का कीड़ा गंध ही खोजता है। इसलिए जब तक हृदय शुद्ध नाम नहीं है इंसान के कर्म बहुत खोटे रहेंगे। वाह, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास एक आदमी आया, मैंने ये प्रसंग उस दिन भी उठाया था, आज फिर संवाद आया तो प्रसंग उठा रहा हूँ। बोला गुरु जी मुझे 4-5 साल नाम लिए हुआ, कुछ अनुभव नहीं हुआ, कुछ मिला नहीं है। मैंने कहा नाम भजन करना, बनत बनत बन जाई, चिंता मत करना, घाटे का काम नहीं है, जो तुम्हें मिला मैं अभी दिखाता हूँ, जो तुम्हें मिला वो तुम्हें अभी दिखाता हूँ। तुम इस 4-5 साल में कहाँ पहुँचे हो, पहले कहाँ थे वो दिखा देता हूँ। मैंने कहा पहले झूठ बोलते थे? बोला हाँ। अब बोलते हो क्या? बोला नहीं। मैं बोला आप पहले कैसे थे? बोला बहुत बुरा था। अब कैसे हो? बहुत बदल गया हूँ। पहले इंद्रियों पर नियंत्रण कितना था? बोला बिल्कुल भी नहीं था। अब कैसा है? तुम तो अध्यात्म के रास्ते पर काफी आगे बढ़ रहे हो नाम की ताकत से। दिल का हजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान औरों का उठा उसको बिठाने के लिए, एक दिल लाखों तमन्ना उस पे भी ज्यादा अवश्य, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। मैंने बोला अब दुनिया कैसे लग रही है? बोला झूठी लग रही है। मैं बोला अब इच्छाएं कैसी है? बोला इच्छाएं गुरु जी कुछ नहीं रही, संसार सब फीका फीका लगता है। जय प्राणी विषयात अजी जगते भय उदास, कह नानक सुनने मना था घट ब्रह्म निवास। जब संसार की आसक्ति कम हुई तो हृदय शुद्ध हो रहा है। पानी जब शुद्ध हो जाता है अपनी छवि साफ साफ दिखने लगती है। इसलिए गुरु बिन हृदय शुद्ध ना होई, कोटन भांत करे जो कोई। पर ठेलुआ लोग अपने अपने तरीके से बातें करते हैं। यह जग त्रिगुण भक्ति में भूल पड़े धनदास, नाम गए विश्वास कर जाए पुरुष के पास। अरे भाई डॉक्टर भी आपका ऑपरेशन करता है तो आपको कहता है चिंता मत करो, वो कहता है दर्द है तकलीफ है, बोलता है भाई पॉइंट पर आ जाएगा। यहां साहब एक शब्द बड़ा अच्छा कह रहे हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए, जस दुतिया का चंद्रमा मात नवे सब कोए। वाह, हो जाएगा, बनत बनत बन जाई, साहेब के द्वारे लग रहा है। भाई आपका बच्चा है ना, आप उसको बड़ा एक युक्ति से कर रहे हैं ना, या खींच कर कर रहे हैं, उसको अच्छी डाइट देते हैं, उसको अच्छी तालीम देते हैं, चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, इस तरह नाम आपको सब कुछ सिखाता जाएगा। भाइयों आपकी सुरक्षा करेगा, उसको मैं मनाया, कोई लाठी के उस बल पर नहीं मनाया। बोला बाकी लोग कैसे लग रहे हैं? बोला गुरुजी बहुत बेवकूफ लगती है दुनिया, और तुम बोला मैं होश में हूँ, बस सूरज संभाले कहा जाए। तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बहे कथम ना जाए। वो ताकत अंदर अंदर आपको समझाती चलेगी। ये तभी तो साहेब वाणी में क्या कह रहे हैं, गुरु सजीवन नाम बताए जाके बलहंसा घर जाए। जीव सब नाम आधार, बिना नाम भव ना तरे। अब यहां करें, बिना नाम के संसार से नहीं तरेगा। गोस्वामी जी भी तो कह रहे हैं कलि में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भव उतरो पर, केवल नाम। यही तो रविदास महाराज भी कह रहे हैं, बड़े बड़े राजा राजा पीपा जैसी शिक्षा थे उनके पास पहुंची थी। सतयुग सत्रेता तपह द्वापर पूजा चार, कलि में ये सब ना बने केवल नाम आधार, केवल नाम आधार। साहब भी कह रहे हैं कलिए नाम प्रताप धर्म हंस लोग सिधा वही, और यतन नहीं तरन को कोई कोटन करे उपाय। एक उपाय नहीं कह रहे, कोटन करे उपाय। इस तरह आपके अंदर असुरी शक्तियां रहती हैं, अंधकार की निवृत्ति का एक ही संसाधन है केवल प्रकाश। इस तरह जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता है तब तक प्रभु नहीं देखेगा। पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन,
उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं, वो तो उसमें है ही है, वो तो है ही है आप में प्रभु, बस अशुद्ध हृदय के कारण से उसकी अनुभूति नहीं हो रही है। ज्यों तिलमाही तेल है जोल चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। क्षमा चाहूंगा, समय हो गया, करीब मैं 40 मिनट या पौन घंटा डेली प्रवचन देता हूँ, और समय होगा कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा साहेब।